आप देख सकते हैं रुड़की के पीटीगंज बाजार में जब अतिक्रमण के दौरान कुछ हंगामा हुआ, व्यापारी को बंद कर दिया गया, सौरभ चौरसिया नाम के व्यापारी को, और यहां पर व्यापारी छुड़ाने के पक्ष में यहां पर कांग्रेसी आ चुके हैं। व्यापारी नेता ने मारपीट का आरोप एसडीएम रुड़की पे लगाया मुख्य नगर आयुक्त पर, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग भी यहां पर कांग्रेसी कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष कलीम खान भी यहां पर हैं, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे मामला निपट गया है। सौरभ चौरसिया जो है वो रुड़की के व्यापारी हैं, एसडीएम द्वारा आज जो है अतिक्रमण के विरोध में यहाँ पे मार्केट में कार्य किया जा रहा था, तो उस समय यहाँ के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी भी उनके साथ थे, और एएसडीएम द्वारा नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा था। और इसी कड़ी में जब केके ने दूसरे की दुकान पे जाके विरोध किया कि साहब ये सामान हटा तो रहे हैं, तो उसको उस व्यापारी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन केके को साथ लेकर थाने आ गए, और उसके बाद एएसडीएम द्वारा केके के थप्पड़ मारा गया। कोई भी अधिकारी हो उसको हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठाए। अगर उन्होंने हाथ उठाया है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, संविधान दिवस पे इन्होंने इस तरह की हरकत की है। एक जो है उच्च पद पे आसीन होने के बाद भी उन्होंने जो है नेतागिरी दिखाई है, और ये जो ये सारा कार्य जो है माननीय विधायक और जो है उन लोगों के द्वारा किया गया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि अपने जो है मॉल के सामने कितना बड़ा अतिक्रमण उन्होंने वहाँ कर रखा है, किस तरह से वो बिल्डिंग बनाई गई है, इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु ये उन्होंने जबरदस्ती अपने जो है विधायक पद में चूर होके जो है एक आम आदमी को, आम व्यापारी को जो है उन्होंने परेशान करने का कार्य किया है। मैं तो इसकी बहुत घोर निंदा करूंगा। तो ये नोटिस भी जारी किया जा सकता है, कुछ सरिया इसका नहीं है। ये बात है कि आप जो है किसी को समझा सकते हैं, उसको कह सकते हैं, परंतु जो है बिना किसी उसके जो है मारना या हाथापाई करना, ये किसी भी जो है चाहे वो एसडीएम हो, एमएनए हो, किसी को भी शोभा नहीं देता। तो अब भाई के जो है प्रशासन के कार्य उसके भी नाम हो गए, एमएनए के नाम पे किया जाएगा कि उन्होंने जो है जबरदस्ती किसी को जो है क्यों परेशान करके जो है हाथापाई क्यों की किसी एक साधारण व्यापारी के लिए। पूरा व्यापार मंडल इसके साथ है और जो है इस पर जरूर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। और जबकि उनकी दुकान का अपना तो बता सकते हो सामान ले गए। आप मुख्य नगर आयुक्त से मिले इस बारे में अभी तक? अभी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं हम लोग सारे, उसके बाद जो है ये निर्णय भी लिया जाएगा। नहीं, वहाँ धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ पे कोर्ट में दावा करेंगे, कोर्ट खुली न्यायालय सब के लिए खुला, बिल्कुल सही बात है, न्यायालय में जाएंगे इसके लिए। अतिक्रमण पूरे शहर में ही है, खासतौर पर इन गरीबों के लिए अतिक्रमण दिखाई देता है ना, बिटीगंज में है, छोटे व्यापारी है, बड़े बड़े व्यापारी शिमला में मोड़ के पार्क में अतिक्रमण क्यों नहीं हटवा रहे? सबसे पहले जो अतिक्रमण का हर जगह एनी किस्म की सारी गोलियां जो है भाजपा के विधायकों ने कब्जा रखी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कब्जा रखी, उन पे तो आज तक अतिक्रमण किसी को दिखाई नहीं दिया। प्रदीप बत्रा जी ने अपना जब मॉल बनाया, जिस तरह विधायक नेतृत्व विधायक जी कर रहे ना, क्यों करेगा वीडियो वायरल हो रहा है, पूछो नाम से अधिकारी कुछ है नहीं, नेतृत्व कर रहा अधिकारी, किसी भी अधिकारी को हाथ उठाने का अधिकार कैसे दे रहा है? मैं ही मार ले जाते हैं, लेते हैं मारा भी पीले उसके चोरे से मैं कह रहा हूँ क्या ये तो मुतम चौकी में नहीं है, आप अधिकारी आ रखे हैं संपर्क कीजिए, आपको लग रहा है कुछ अधिक काम कर रहे काबिल कार्य करते हैं, इसलिए मैं ऐसा भी बुला रहा हूँ, थाने गाड़ी बुला रहा हूँ, थाने भेज रहा हूँ मैडम, चौकी में आप ही बैठ मुतम मत रखिए, नहीं है ना, ठीक है है ना, ठीक है हमारे अधिकारी नगर निगम में बैठे हुए देखिए, चौकी इंचार्ज ने साफ तौर पे कहा है कि ये मामला चौकी का नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ थाने जाइए, चौकी में कोई बवाल करने की आवश्यकता नहीं है।